भगवान शिव का धाम अमरनाथ, जो शिव भोले के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, जहां भगवान शिव के अमर कथा के प्रमाण हैं, वहां वो है अमरनाथ धाम। भगवान शिव के दर्शन मात्र से सारी समस्याओं का समाधान होता है और उस पवित्र यात्रा का आज से आगाज हो गया है, जो 19 अगस्त तक चलेगी ये यात्रा। तो पवित्र गुफा की पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से आप भी दर्शन कर सकते हैं। जो तीर्थ यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका उत्साह, उनका जोश आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अमरनाथ यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है, 19 अगस्त को ये यात्रा का समापन हो जाएगा। आज दोनों ही जगहों से, वो पहलगाम का रूट हो या फिर बालताल वाला जो अलग रूट है, वहाँ से जो जत्थों को रवाना किया गया, वो दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के। और उनको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो पहले जत्थे में हैं और सबसे पहले उनको पवित्र गुफा के दर्शन करने को मिलेगा। और पहलगाम से आसिफ कुरैशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। आइए उन्हीं का सीधे रुख करें। आसिफ, इस यात्रा की जो शुरुआत आज से हुई है, जाहिर सी बात है गजब का जोश वहां पर दिखाई दिया भी होगा, सुबह से यात्रा शुरू भी हो गई है। अब पूरी जानकारी दीजिए, किस तरीके से आज सुबह का पूरा वक्त रहा, पूरा रूट किस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं इस पवित्र यात्रा को लेकर, वो सारी जानकारी आसिफ। बिल्कुल दीपा, आज यात्रा का पहला दिन था और आज सुबह पहलगाम से नुनवन कैंप से तकरीबन 6000 यात्री जो है पवित्र गुफा की तरफ प्रस्थान कर गए। ये यात्री रविवार को ही दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि पहलगाम का जो पारंपरिक रास्ता है, यहाँ से तकरीबन 47 किलोमीटर का कुल रास्ता नुनवन बेस कैंप से लेकर चंदनवाड़ी, शेषनाग, महागुंस और संगम होते हुए पवित्र गुफा पर समाप्त होगा और दो दिन का समय लगता है। जबकि आज सुबह ही तकरीबन 7500 यात्री बालताल से भी चले थे, जो आज ही दर्शन करेंगे। आपसे थोड़ी देर बाद दर्शन शुरू हो जाएंगे इन यात्रियों के और ये यात्री शाम तक लौट आएंगे। कुल मिला के देखें तो सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बार जो रही है वो सुरक्षा को लेके है। हम इस समय भी नुनवन बेस कैंप पे मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद ज्यादातर यात्री जो है वो गुफा की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन नए यात्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू से आज सुबह तकरीबन 3000 यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ है और जो धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचेगा, दोपहर के बाद यहाँ पे एक बार फिर से यात्रियों की भीड़ हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के देखें तो इस बार सुरक्षा जो है वो पहली प्राथमिकता रही है और यहाँ पे उसका आपको दृश्य दिखेगा। कंस्टेंटिना वायर जो है इस पूरे कैंप के इर्द गिर्द लगा दी गई है, सुरक्षा बलों के वाहन जगह जगह पे लगा दिए गए हैं, उसके अलावा बंकर जो है जगह जगह लगा दिए गए हैं, जबकि क्विक रिएक्शन टीम्स किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरे रास्ते पर जम्मू से लेके चाहे वो पहलगाम हो या फिर सोनमर्ग हो, जगह जगह पर जो है HD कैमराज लगाए गए हैं, वो भी ऐसे कैमरा जिनसे लाइव फीड हासिल हो रहा है और कमांड कंट्रोल सेंटर पे उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जहां कहीं पे भी यात्रियों को कुछ दिक्कत होती है उसको तुरंत ही कंट्रोल रूम से सुरक्षा बलों को या फिर अधिकारियों को बता दिया जाता है और जो जल्दी से जल्द उसका निपटारा हो सके, और खास तौर पर सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता रही है। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं यात्रियों के लिए रखी गई हैं वो RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी ID कार्ड प्रत्येक यात्री को दिया जा रहा है, जिसमें हर वक्त हर यात्री पर नजर रखी जा रही है कि वो कहाँ पे मौजूद है, किस पड़ाव पे है और क्या हालत में है। इसी तरीके से जो ड्रोन कैमराज हैं उससे ऐसे पहाड़ी जो इलाके हैं उन पे नजर रखी जा रही है। जगह जगह पे सुरक्षा बलों की तैनाती भी इन इलाकों में की गई है। सेना के जवानों ने ऐसे जंगल के इलाकों को पूरी तरीके से घेर के रखा हुआ है, ताकि जंगल के रास्ते अगर कोई हमले करने की कोशिश हो, जैसा कि जो आशंका जताई जा रही है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, तो उससे निपटने के लिए वो जो है सुरक्षा बलों की तैनाती है। कुल मिला के देखें तो 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी इस समय सीधे तौर पर अमरनाथ यात्रा से जुड़े हैं, पूरे रास्ते पर वो फैले हुए हैं और ऐसे किसी भी हमले को विफल करने में सक्षम हैं। और यात्री भी बड़ी उत्साह के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो यात्री हमें यहाँ पे दिखे तो सुरक्षा ही हो जाती है। जो तीर्थ यात्री, जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो जत्थे में शामिल है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो ये पहले से ही कोशिश की गई और वो मुकम्मल इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, इसके बारे में भी जानकारी आप साझा कर रहे हैं। आसिफ, दो रूट है ना, एक बालताल वाला और एक पहलगाम वाला। बालताल से जो जत्था गया है वो आज ही दर्शन कर लेगा
और पहलगाम से जो रूट जा रहा है उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं कि वो कल दर्शन कर पाएगा। बिल्कुल दीपा, देखिए दोनों रूट पे यात्रा आज सुबह सवेरे शुरू हो गई, लेकिन पहलगाम वाले रास्ते से नुनवन बेस कैंप से लेके अमरनाथ गुफा तक तकरीबन 47 किलोमीटर का रास्ता है जो पैदल चलना पड़ता है। उसमें 16 किलोमीटर का रास्ता यात्री जो है गाड़ियों के जरिए चंदनवाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चंदनवाड़ी से ठीक पवित्र गुफा तक तकरीबन 30 किलोमीटर का जो रास्ता है वो उनको पैदल तय करना पड़ता है और दो दिन में ये तय हो पाता है। वही बालतल का रास्ता जो है केवल 14 किलोमीटर लंबा है, इसीलिए आज सुबह तड़के जो यात्री तकरीबन 3 या 4 बजे वहां से निकले हैं वो दोपहर के आसपास पवित्र गुफा पर पहुंचे हैं, वहां पे वो दर्शन करके आज शाम तक वापस लौट के आते हैं और फिर बालतल कैंप में रुकते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग अगर देखें तो वो बालतल के रास्ते ही जाते हैं क्योंकि एक दिन में दर्शन हो जाता है, लेकिन यात्रा का महत्व पारंपरिक रास्ते से है जो कि पहलगाम है, जिसमें जो अमर कथा की जो कहानी है अमर कथा है तो उसमें जो पड़ाव बताए गए हैं चाहे वो पहलगाम हो, शेषनाग हो, चंदनवाड़ी हो, पंचतरणी हो, महागुंस हो या फिर जो है पवित्र गुफा में हो, तो सभी पड़ाव के साथ जोड़कर जो पारंपरिक यात्रा करना चाहते हैं वो इसी रास्ते का चयन करते हैं जो कि पारंपरिक अमरनाथ यात्रा का रास्ता है। लेकिन यहाँ से दिक्कत सिर्फ ये है कि दो दिन में आपको दर्शन होते हैं, फिर ज्यादातर यात्री बालतल के रास्ते वापस लौट आते हैं क्योंकि 3 घंटे में वो नीचे आ जाते हैं और वहां से गाड़ी पकड़ के अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। लेकिन जो ज्यादातर यात्री हैं, जो भक्तजन हैं, वो पहलगाम विस्तृत जानकारी जो आपने दी है बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तफसील से आपने बताया किस तरीके से रूट में सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां भी की गई है और किस तरीके से वहां पर दर्शन श्रद्धालु दोनों ही रूट से कर पाते, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए पहलगाम में मौसम को लेकर भी सुरक्षा बलों और प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। डिजास्टर मैनेजमेंट SDRF NDRF की कई टीमों को यात्रा के दोनों ही रूट पर तैनात किया गया है। वहीं भक्तों के लिए अस्पताल भी वहां पर शुरू किया गया है जहां हर स्वास्थ्य सुविधा उनको मिलेगी। पहलगाम से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अमरनाथ यात्रा पे आने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा के बाद जो सबसे बड़ी सुविधा होती है वो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है और यहाँ पे वो 15 बेड का इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है जो कि नुनवन बेस कैंप में बना है। इसी तरीके के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स पूरे रास्ते पे जगह जगह पे लगा दिए गए हैं जहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसी सभी मशीन्स रखी गई हैं जिनकी यहाँ पे ज़रूरत होती है। हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो सांस लेने की होती है, इसीलिए ऑक्सीजन मशीन्स और उनके मॉनिटर्स हर जगह पे लगा दिए गए हैं और यहाँ पे एक यात्री हैं जो यहाँ पे आए थे उनका यहाँ पे इस टाइम उपचार चल रहा है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी मशीन यहाँ पे वो है ये ऑटोमेटिक CPR मशीन, यानी किसी भी यात्री को अगर दिल का दौरा पड़ता है तो उसको CPR देने की ज़रूरत होती है, तो ये वो मशीन है जो ऑटोमेटिक CPR करती है, कंप्रेस करती है, जिससे उसके दिल को फिर से दोबारा काम करने योग्य बनाया जाता है और इसी तरीके की बाकी सारी मशीनरी यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा जो मेडिसन्स हैं, दवाइयाँ रखी गई हैं, अन्य सुविधाएं हैं और जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हैं उसका भी इंतज़ाम यहाँ पे होता है, यानी अगर यहाँ से किसी पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल यानी कि स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा सकते तो ऐसी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News, आपको रखे आगे।